Hello guys, this is Rabia Jamil and you are watching Chemistry for Beginners. Our today's lecture is about composition and classification of proteins. It is very good to see that you are watching our videos, so keep liking and sharing them with your friends and do subscribe our channel. हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं. Let's begin with the composition of proteins. Proteins are actually the macromolecules. Macromolecule का मतलब है कि proteins are large in size. Proteins दरअसल अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं. अमाइनो एसिड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हों. डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स. मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज के अंदर तकरीबन 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स डिस्कवर किए जा चुके हैं. इन 170 टाइप्स में से अबाउट 25 अमाइनो एसिड्स वो हैं जो के प्रोटीन्स बनाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. अब हम अमाइनो एसिड्स को देखते हैं जो के मोनोमर्स हैं प्रोटीन का. तो हर अमाइनो एसिड के अंदर एक कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन अटैच होगा. इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है. इसी अल्फा कार्बन के साथ एक साइड चेन अटैच होगी जो कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है एंड द अमाइनो एसिड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइड चेन. सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है जिसके अंदर ये साइड चेन सिर्फ आर पर मुश्तमिल होगी. उसके बाद मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप्स इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच होते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे. हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है and this specific sequence of amino acids determines the structure of a protein. Genetic code is responsible for the specific sequence of the amino acids in the protein. अगर किसी भी तरह का कोई भी change जैसा कि amino acids के addition होना या amino acids की deletion होना या फिर amino acids की position change हो जाए तो amino acids का sequence disturb हो जाता है जिसकी वजह से proteins का structure disturb हो जाता है और ये म्यूटेटेड प्रोटीन अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती. रादर इट कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. इसी तरह की एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज है कि जिसके अंदर प्रोटीन हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि एक्ट करती है एज एन ऑक्सीजन कैरियर फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा. सिकल सेल एनीमिया में इसकी दोनों बीटा चेन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है. एक्चुअली होता क्या है कि जेनेटिक कोड में चेंजिंग्स होती हैं जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज हो जाता है एंड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन. इस चेंज की वजह से रेड ब्लड सेल्स जो कि नॉर्मली राउंड होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है and they get stuck in small blood vessels. तो हमने देखा कि किस तरह अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज होने की वजह से एक ब्लड डिजीज हो रही है. प्रोटीन्स आर द लॉन्ग पेप्टाइड चेन्स. अब हम देखते हैं कि ये पेप्टाइड चेन बनती कैसे है. दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं. एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और दूसरे अमाइनो एसिड के एनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन मिल के वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं. हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड C double bond O NH की फॉर्मेशन हो जाती है. चूंकि इस रिएक्शन में हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स मिले थे इस वजह से इसको डाइपेप्टाइड कहा जाता है. इसी तरह अगर हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो उसको ट्राइपेप्टाइड, अगर 4 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो उसको टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन. एक चीज याद रखें कि द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ पेप्टाइड चेन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस. सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन्स या तो फाइब्रस होती हैं या ग्लोबुलर होती हैं. फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में. इनके अंदर मोस्टली वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देती हैं. फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया. ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं और इलास्टिक इन नेचर होती हैं. इनका मेजर काम मुख्तलिफ सेल्स और ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल रोल्स परफॉर्म करना है। फाइब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल्स में सिल्क फाइबर, मायोसिन, फिब्रिन और केराटिन आ जाती हैं। सिल्क फाइबर सिल्क वर्म से हासिल होता है, मायोसिन एक मसल प्रोटीन है, फिब्रिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है और केराटिन नेल्स और हेयर वगैरह में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड चेन्स मल्टीपल फोल्डिंग करते हुए स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर देती हैं। इनके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। एक्वस मीडिया में सोलुबल होती हैं और इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। अगर फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए तो ये प्रोटीन्स डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, मतलब इनका स्फेरिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। इनकी एग्जाम्पल्स में एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स आ जाते हैं। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। देयर आर टू टाइप्स, सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। पहले हम सिंपल प्रोटीन्स देखते हैं। इन प्रोटीन्स को होमो प्रोटीन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन्स सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में प्लाज्मा एल्बुमिन, कोलाजन एंड केराटिन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हेटेरो प्रोटीन्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है। इनकी एग्जाम्पल्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स और फॉस्फोप्रोटीन्स आ जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों होती हैं। क्रोमोप्रोटीन्स के अंदर प्रोटीनिक पोर्शन के साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोई कोफैक्टर अटैच होता है। इसी तरह फॉस्फोप्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन्स के साथ कोई फॉस्फोरस एटम अटैच होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कि मुख्तलिफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टोरेज प्रोटीन्स। दीज स्टोरेज प्रोटीन्स आर एक्चुअली द बायोलॉजिकल रिजर्व्स ऑफ मेटल आयंस और अमाइनो एसिड्स। इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास एक प्रोटीन है जिसे फेरिटिन कहते हैं जो कि आयरन को रिजर्व करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जैसा कि कोलाजन वगैरह। तो इन प्रोटीन्स का काम बॉडी को एक प्रॉपर शेप में रखना और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। आगे हमारे पास है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का काम बॉडी में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाना है। आगे हमारे पास आ जाती हैं वो प्रोटीन्स जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं जैसे कि एक्टिन, मायोसिन जो कि मसल कॉन्ट्रेक्शन और मसल रिलैक्सेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। कुछ प्रोटीन्स हमारे पास नर्व ट्रांसमिशन के लिए जरूरी हैं। इसी तरह हार्मोन्स भी प्रोटीन्स हैं जो कि मुख्तलिफ बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी में। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि डेवलपमेंटल और डिफरेंशिएशन प्रोसेसेस में अहम किरदार अदा करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।